बाहरी राजनीति तूने कहीं का ना छोड़ा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अखिलेश से तलाक के बाद ओम प्रकाश राजभर, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। योगी से चले थे पंगा लेने, खुद ही चारों खाने चित हो गए, फिर लौट के बैकफुट पर आए। ओम प्रकाश सोच रहे थे कि बसपा के गले लगूंगा, लेकिन बसपा सुप्रीमो के भतीजे के एक ट्वीट के बाद वहां से भी पत्ता साफ हो गया। दरअसल कभी चुनावी माहौल में बढ़ चढ़कर बयानबाजी करने वाला एक नेता आपने देखा ही होगा, वो कोई और नहीं ओपी राजभर ही होंगे। चुनाव के दौरान भाजपा से मोह भंग हुआ, अखिलेश के पास गए, रिश्ता जुड़ा, इलेक्शन रूपी बारात आई, लेकिन दुल्हन बीजेपी लेकर भाग गई। बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाले राजभर देखते रह गए। कभी मीडिया के सवालों में विधानसभा चुनाव 2022 में जीत की सीट गिनाने वाले राजभर, अखिलेश यादव से उन्हें मिलती थी इज्जत, लेकिन इज्जत आज नीलाम हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ, वैसे ही राजभर की इज्जत नीलाम हो गई, वैसे ही राजभर का सब कुछ लुट गया। लेकिन इसके बाद राजभर के पास एक घर और बचा था, वो था बसपा सुप्रीमो का, लेकिन वहां से भी सब कुछ उजड़ गया। बसपा सुप्रीमो के भतीजे के एक ट्वीट ने ओपी राजभर को कड़ा जवाब दे दिया। दरअसल सोहेलदेव समाजवादी पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी सपा से नाता तोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी से संबंध बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन वहां से भी जोर का झटका धीमे से लगा है। दरअसल बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोमवार को कहा था कि ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आनंद ने सोमवार को एक ट्वीट किया, किसी का नाम लिए बगैर कहा, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन, प्रशासन, अनुशासन की पूरी तरह दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आनंद का ये बयान उस वक्त आया जब सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बसपा के हाथ मिलाने की ख्वाहिश जता रहे थे। गौरतलब है कि राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी और उसे 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजभर ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था, उनकी पार्टी सरकार में भी शामिल हुई थी, लेकिन कथित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतभेद के कारण वो सरकार से अलग चले गए। अब सोचिएगा, जिस नेता ने जगह जगह खाने की आदत डाल ली हो, वो कैसे आपके क्षेत्र की तरक्की करा सकता है, चाहे वो कोई हो। सोचिएगा, विश्वास और जगह जब अपने आप बनना शुरू हो जाती है, जब आप सच्चे मन से किसी के साथ जुड़ते हो। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट टीवी उत्तर प्रदेश।